दोस्तों आइए जानते हैं कुरान मजीद पाक पढ़ने की कौन सी दुआ है। और एक बात ख्याल रखें, अब जब भी कुरान को हाथ लगाए तो उससे पहले आप अच्छी तरह वजू कर लें। जिस तरह आप नमाज में वजू किया करते हैं उसी तरह आप अच्छी तरह वजू करके कुरान शरीफ को हाथ लगाएं, क्योंकि ये पाक किताब इस्लाम में माना जाता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तोफ़ैर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब के सदके तोफ़ैर कुरान मजीद को तमाम उम्मती मुहम्मदिया को मग़फ़िरत के लिए, दीनी तालीम के लिए उम्मती मुहम्मदिया को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद भेजा माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। तो आप कुरान पाक जब भी शुरू करें तो इस दुआ को पढ़ लें तो बेहतर है। खुद भी इस पर अमल करें और अपने बच्चों को, घर वालों को और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके। अब जब भी कुरान पाक पढ़ें इससे पहले अच्छी तरह वजू कर लें और इस दुआ को पढ़ लिया करें। वो दुआ कौन सी आज हमें समाप्त करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मीनिंग है मैं अल्लाह से पना चाहता हूँ शैतान और जिन की। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। तो खुदाना इस चीज़ पर अमल करें, हम सबको सुनने से ज़्यादा नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।